यहां पर अपने ना अपना अलग अलग एप्लीकेशन लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो केस नंबर वन, अब यहां से जो केस करा रहा हूं उसी पर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो डोंट वरी। पहला केस लेते हैं, एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट केस इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैविंग सेम नेचर सेम नंबर ऑफ, ठीक है, अगर आपने उस मॉलिक्यूल में सेम नेचर के सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए लेकिन पोजीशन डिफरेंट है तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा अपन चेक करते हैं एग्जांपल से, जरा समझो। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, यहां पर मैंने केस फर्स्ट का एग्जांपल लिया, यहां पर मैंने चार मॉलिक्यूल लिए हैं, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर वन, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर टू, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर थ्री एंड दिस इज मॉलिक्यूल नंबर फोर। मान लेते हैं पहले वाले में आपने फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहां लगाया आपने, ये CWH के जस्ट पास वाले कार्बन पे लगाया आपने। फिर आपने फ्लोरीन कहां लगाया, बीटा पोजीशन पे, पहले अल्फा पे लगाया फिर बीटा पे लगाया, फिर कहां लगाया, फिर आपने गामा पोजीशन पे लगाया, फिर लगाया ही नहीं। चार आपके पास दिए हुए हैं एग्जाम्पल, पहले आपने अल्फा पोजीशन पे लगाया फिर बीटा पे लगाया फिर गामा पे लगाया, फिर लगाया ही नहीं। सवाल पूछा है आपसे कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, किसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे कम, जहां पर फ्लोरीन सबसे पास लगा हुआ उसकी सबसे ज्यादा होगी तो वन की सबसे ज्यादा होगी, फिर मतलब अल्फा वाली सबसे ज्यादा, फिर टू की बीटा वाली, फिर थ्री की गामा वाली, फिर फोर की जिसमें है ही नहीं। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट नलीफाई या कम होता जाएगा। ये पहला सवाल है, केस वन किस किस को समझ में आ गया। जैसे जैसे फ्लोरीन का डिस्टेंस इस हाइड्रोजन से, फ्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है उसकी एसिडिक नेचर बेसिकली और घटते जा रही है सबसे ज्यादा। ये किसका ऑर्डर है, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। केस नंबर वन ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो एसिडिक नेचर घटते जाएगा, ठीक है। तो पहला केस हो गया,